हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जेके एसएसबी की तरफ से नया अपडेट। जो नई रिक्रूटमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है, उससे अब आप ऑफिशियल वेबसाइट जेके एसएसबी पर जाकर के चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे jkssb.nic.in, वहाँ पर आपको यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ दिखाई पड़ेगा अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट अंडर एडवर्टीजमेंट 02 of 2021। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस तरह से ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर आपने सबसे नीचे जाना है। यहाँ पर आपके लिखा आएगा ये वाला 02 of 02। यहाँ डाउनलोड एडवर्टीजमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ जो है खुल करके आपके सामने आ जाएगी। वहाँ पर से आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है। अभी हम वीडियो में आगे आपको वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ कि कौन कौन एलिजिबल है, कितनी इसके लिए फ़ी रहेगी, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप जो साथ में इसके लिखा आएगा अप्लाई नाउ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, साइन अप करना होगा, अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं वो फिलअप करनी होगी। उसके बाद आप जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम आपको इसके बारे में डिटेल से बता देते हैं, इस फॉर्म के बारे में। jkssb.nic.in, यहाँ पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं इस फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल। पहले इसकी डेट अभी कुछ देर पहले 12 तारीख से ही शुरू होने थे, बट इसकी डेट को बढ़ा करके 16 तारीख कर दिया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की कितनी पोस्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, टोटल 2311 इतनी पोस्ट्स हैं जिसके लिए आप ये फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। एज लिमिट जो है वो ओपन मेरिट के लिए 40 साल रहने वाली है, एससी के लिए 43, एसटी 43, आरबीए 43, ईडब्ल्यूएस 43। स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं। एक्स सर्विस मैन के लिए 48 ईयर्स, नॉट बिफोर देन बॉर्न बिफोर देन 1973, नॉट आफ्टर देन 2003। क्वालिफिकेशन जो है वो रहने वाली है, यहाँ पर आप 10+2 ग्रेजुएट जो हैं सभी एलिजिबल हैं, कोई भी इन वैकेंसीज के लिए फिल कर सकता है। और भी बताना चाहेंगे आपको इसके बारे में, इसकी जो फ़ी है फॉर्म फिल करने के लिए वो 350 रहने वाली है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड के थ्रू आप घर बैठे भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करके। 350 फ़ी रहने वाली है इसके लिए। jkssb.nic.in पर जाकर के आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आएगा, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की हर एक गलत आंसर के लिए, यानी कि आपके 4 आंसर अगर गलत होते हैं तो उसके लिए आपका एक नंबर जो है वो माइनस हो जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपने आईडी प्रूफ ले जाने हैं, कोई भी आपका आईडी प्रूफ होगा, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह, स्कूल आईडी कार्ड, और आपको अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी लेकर जाने हैं। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे वो ध्यान से करिएगा, वहाँ पर जो फ़ोटो स्कैन जो साइज़ मांगा जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए। इस पीडीएफ में सारी डिटेल्स हैं, आपको यहाँ हम नीचे इसके बारे में ये जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। वरना जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइट पर जाने के बाद आपको एडवर्टीजमेंट 02 of 2021 पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर से आप पूरा जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करिए, लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। 2311 पोस्ट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आपका साइज़ जो रहने वाला है फ़ोटोग्राफ का जो आप अपलोड करेंगे, सिग्नेचर का भी साइज़ और फ़ोटो का भी साइज़। उसके बाद सारे डिटेल्स भरने के बाद आपको पेमेंट करनी है, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए कैसे फॉर्म फिल करना, अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाए और बताया जाए कि कैसे आप ये फॉर्म फिल करें, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम अगली वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बता देंगे कि ये फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। ये आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा है ओपन मेरिट के लिए कितनी पोस्ट हैं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में 10+2 क्वालिफिकेशन है इसमें, ये सब 10+2
ये ग्रेजुएशन के लिए भी जो ग्रेजुएट हैं वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में देखिए ग्रेजुएशन के लिए, और साथ में कुछ और भी रिक्वायरमेंट लिखी है वो आप आराम से पढ़ सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद, या यहाँ पर स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ से आप डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं। ये सब दे रखी है पोस्ट 10+2 विद डिप्लोमा इन लेप्रोसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी BSc, और यहाँ पर आप मैट्रिक करी है तो वो भी आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस फॉर्म के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए हो, कमेंट्स पे क्वेश्चन करिए, हम आपका आंसर उसी समय आपको प्रोवाइड करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।